हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्रांसफॉर्म में लिक्रेट कैसे ढूंढते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। पहले तो ट्रांसफॉर्म का एक्टिव पार्ट जब टैंक हो जाता है, पूरा ट्रांसफॉर्म ब्लैंक हो जाता है, उसके बाद हम सॉफ्ट वाटर करते हैं। सॉफ्ट वाटर के लिए हमको 3 PSI या 5 PSI हम प्रेशर भरते हैं ट्रांसफॉर्म में, ड्रायर प्रेशर रहता है वो, और उसके बाद हम सॉफ्ट वाटर करते हैं। जो भी जितने भी जॉइंट्स रहते हैं उसको चेक करते हैं। अगर आपको कहीं लीकेज नहीं मिलता है तो आपको वैक्यूम स्टार्ट कर देना है। अगर लीकेज मिलता है तो पहले वो लीकेज को अटेंड करना है और उसके बाद वैक्यूम पंप को स्टार्ट करना है। फिर हमको 5 से 6 घंटे के बाद 1 mBar के करीब प्रेशर मिलेगा, उसके बाद ही हमको लिक्विड स्टार्ट करना है। अगर आपका प्रेशर गेज में रीडिंग 1 mBar से ज्यादा है तो हमको लिक्विड स्टार्ट करना नहीं है। समझो कि हमारा प्रेशर अचीव हो गया और उसके बाद हमको क्या करना है कि जो वैक्यूम वाल है ट्रांसफॉर्मर में उसको बंद कर देना है। उसके बाद 1 घंटा हमको होल्ड करना है प्रेशर को और पहला रीडिंग लेना है P1। उसके बाद 30 मिनट्स के बाद हमको दूसरा रीडिंग लेना है P2। फिर हमको लिक्रेट कैलकुलेट करना है। वो कैसे करना है मैं बताता हूं। लिक्रेट इज इक्वल टू P2 - P1 × V, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम। P1 जो हमने फर्स्ट प्रेशर लिया था 1 घंटे के बाद वो रहेगा, P2 सेकंड प्रेशर रहेगा जो 30 मिनट्स के बाद लिया था मिलीबार में, वॉल्यूम ट्रांसफॉर्मर का जो वॉल्यूम है वो हमको लीटर में मिलेगा, जो टैंक का रहेगा जो हमको डिजाइन से मिलेगा, या तो टैंक की जो R&D प्लेट है ट्रांसफॉर्मर की उस R&D प्लेट से मिलेगा। टाइम बिटवीन प्रेशर रीडिंग, जो 2 प्रेशर रीडिंग हमने ली है उसके बीच का टाइम वो सेकंड में रहेगा, और लीकेज रेट, लीक रेट हमारा ये मिलीबार इनटू लीटर पर सेकंड में मिलेगा। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि लीक रेट कैसे ढूंढा जाता है। एक 25 MVA का ट्रांसफॉर्मर है जिसका हमारा पहला प्रेशर है 1 mBar, दूसरा प्रेशर है 2.6 mBar, वॉल्यूम ट्रांसफॉर्मर का जो है वो 14,600 लीटर्स है। तो हमारा L इज इक्वल टू 2.6 - 1 × 14,600 डिवाइडेड बाय टाइम 1800 सेकंड्स, तो हमारा आंसर आता है 12.97 mBar/s। दूसरा एग्जांपल, हमारा सेम ट्रांसफॉर्मर है P1 1 mBar, P2 5.6 mBar, वॉल्यूम 14,600 लीटर एंड लिक्विड इज इक्वल टू 5.6 - 1 × 14,600 डिवाइडेड बाय 1800 सेकंड्स, टाइम इन सेकंड, और उसका जो आंसर आता है वो L इज इक्वल टू 37.31 mBar/s। तो इसमें क्या है, अगर हमारा ये रीडिंग 20 mBar से कम आएगा तो हमारा लिक्विड पास है, और अगर हमारा रीडिंग 20 mBar से ज्यादा आएगा तो हमारा लिक्विड फेल है। तो ये जानकारी थी कि हम ट्रांसफॉर्मर में लिक्विड कैसे फाइंड करते हैं।